गुड इवनिंग बच्चों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा अगस्त माह का असाइनमेंट डाल दिया गया है। कक्षा 10वीं विषय गणित असाइनमेंट देखते हैं। 6 प्रश्न हैं, यहाँ पर 20 नंबर का असाइनमेंट होगा। तो 6 प्रश्नों में से 6 प्रश्न हम देखेंगे, फटाफट देखेंगे, और साथ ही साथ उसमें जो रिलेटेड बेसिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपन सीधे जंप कर रहे हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं इसलिए हमको उससे रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी देते हुए मैं चलूँगा। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, शेषफल प्रमेय से हमको इस बहुपद को अगर मैं इस छोटे बहुपद से भाग दूं तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। ये भागफल की प्रक्रिया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम किसी एक छोटे बहुपद से उससे ऊंचे घात वाले बहुपद को हम भाग देते हैं, और अगर वो पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल 0 मिलेगा, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो फिर शेषफल कुछ मिलेगा, ठीक है, 1, 2, 3, 5 जो भी मिलना होगा मिलेगा। तो वो शेषफल हमको प्राप्त करना है, और ये 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो आपको वो भाग दिए बिना, ठीक है, भाग की प्रक्रिया बहुत लंबी है, वो कम से कम 4-5 नंबर का प्रश्न है, तो आपको 4-5 नंबर के प्रश्न के हिसाब से डील नहीं करना है उसको, आपको सिर्फ 2 नंबर के लिए डील करना है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करें कि वो 2 नंबर पे हल हो जाए, तो वो शेषफल प्रमेय जो है, शेषफल प्रमेय के द्वारा आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से, छोटा सा क्वेश्चन है। तो शेषफल प्रमेय होता क्या है मैं वो आपको बता दूँ। अगर आप किसी एक ऐसे छोटे बहुपद से एक्स ऋण ए से किसी बड़े बहुपद को यानी कि fx को जब आप भाग देते हैं, ठीक है, जब हम x ऋण a से fx को भाग देंगे, अब ये fx कौन है, इस टाइप का ये उच्च घातीय बहुपद होगा जिसकी घात 3 है 4 है 5 है 2 है, है ना, इससे बड़ा रहेगा, इसकी घात कितनी है 1, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब x की घात कितनी हो गई 1, तो ये एक घातीय बहुपद है, छोटा बहुपद, और ये उससे बड़ा घात वाला बहुपद है। तो जब छोटे घात वाले बहुपद से हम बड़े घात वाले बहुपद को भाग देंगे तो ये प्रारूप है, x ऋण a से अगर आप किसी बड़े घात वाले बहुपद को भाग देते हैं तो ये जो ऋण a है इसको धन a करके आप इसी में रख दीजिए, ठीक है, f ऑफ a, यानी कि x के जगह में जब आप a रख देंगे तो आपको शेषफल मिल जाएगा, यही शेषफल है, ठीक है। और अगर आप x धन a से भाग देते हैं, x धन a से मैं fx को भाग देता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, तब मैं इस धन a को उल्टा करके मैं ऋण a पढ़ूंगा, तो इस fx में मैं क्या पढ़ लूंगा, f, x के जगह में मैं क्या पढ़ लूंगा, ऋण a, ठीक है, तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जैसे मैं x ऋण 2 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बहुपद है fx बराबर x की घात 2 ऋण 2x धन 1, अगर मैं x ऋण 2 से इसको भाग दे रहा हूँ तो मुझे x के जगह में क्या रखना होगा, x के जगह में ऋण 2 का उल्टा कर दीजिए आप, 2 रख दीजिए, x के जगह में 2 रखते जाइए, चलिए यहाँ यहाँ रखते जाइए, तो जो भी बचेगा वो शेषफल होगा, ठीक है। और वही चीज़ उल्टा बोल रहा हूँ मैं, x धन 2 से अगर मैं इसी बहुपद को भाग दे दूँ, x धन 2 से मैं इसी बहुपद को भाग दे दूँ तो ये यहाँ पर मेरे को x के जगह में क्या रखना होगा, धन 2 को पलट के आप पढ़िए, धन 2 को पलट के हम क्या पढ़ेंगे, ऋण 2, तो इस ऋण 2 को आप x के जगह में रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखते जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा, सिंपल है। तो आप किसी भी छोटे बहुपद से भाग दे रहे हैं, जैसे ऋण 2 वहाँ पे दिख रहा है तो आप उसको 2 रखिए, धन 2 रखते जाइए x के जगह में, ठीक है, सिंपल है एकदम। तो आ जाइए सॉल्यूशन में, आपको क्या दिया हुआ है, ये बहुपद आपको दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद बहुपद px कितना है, 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 9, ठीक है, और इसको हमको भाग देना है x ऋण 2 से, ठीक है। तो x ऋण 2 से इसको भाग देने पर यानी कि x के जगह में हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर हम रखेंगे 2 रखने पर, ठीक है, तो x के स्थान पर 2 रख देंगे आप तो हमको क्या मिलने वाला है, फिर p2 यही शेषफल होगा, ठीक है। जैसे f2 मिलता, मान लो यहाँ पर मैंने x के जगह में क्या रखा, 2 रखा, तो f2 है, f2 यानी कि जो भी fx आपको दिया था उसके x में आप 2 रख रहे हैं, यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो x के जगह में 2 रख रहे हैं, मतलब x के जगह में 2 रखते जाइए। वैसे ही यहाँ पर x ऋण 2 से भाग दे रहा हूँ तो मेरे को 2 देखना है बस, ऋण 2 का उल्टा क्या, 2, ठीक है, धन 2, तो 2 देखते जाइए, तो x के जगह में आप 2 रखते जाइए, तो p2 ये आपका शेषफल है, इधर आप x के जगह में 2 रखते जाइए, ये हो गया 4, x के जगह में मैंने रखा 2 तो 2 की घात 3, यहाँ पर डॉट लगाइए, कुछ नहीं मतलब गुणा है, प्लस 3, यहाँ x की घात 2 यानी कि x के जगह में क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, इंटू लगाइए, प्लस 2x मतलब 2 ऋण 9, ठीक है, हल कर लेते हैं इसको, 4 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 इंटू 2 की घात 2 मतलब 4 धन 2 दूनी 4 हो गया ऋण 9, 4 8
32, 3 चौक 12, धन 4, ऋण 9। ठीक है, जो जो समान चिन्ह वाले उनको जोड़ लीजिए, जैसे 32 के सामने धन चिन्ह है, ये भी धन चिन्ह, ये भी धन चिन्ह, ये भी धन चिन्ह, एक जैसे चिन्ह है इसलिए ये जुड़ेंगे। तो 2 2 4 4 4 8, 3 और 1 4 48, और ये ऋण 9 अलग चिन्ह वाला है। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हुए, ये धन चिन्ह वाला हुआ, ये ऋण चिन्ह वाला हुआ। ठीक है, ये लोग घटेंगे, 48 में से 9 घटा लीजिए, कितना आएगा 39। ठीक है, तो ये आ गया P2, यही है शेषफल। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक प्रश्न खत्म हुआ, तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर है। ठीक है, अभिष्ट बहुपद को जब इस छोटे बहुपद से भाग देंगे तो शेषफल 39 प्राप्त होगा। आंसर वाली लाइन आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल 39 मिलेगा या प्राप्त होगा, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये एक प्रश्न खत्म हुआ, अब आ जाइए दूसरे प्रश्न की तरफ। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, इन दो समीकरणों को आप देखिए, ये परिवार के रूप में है, निकाय के रूप में दो समीकरण है, इसलिए जिस प्रकार दो सदस्य होते हैं तो परिवार बनता है, वैसे ही दो समीकरण है तो निकाय बोलेंगे हम इसको। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल, यहाँ पर समीकरण निकाय से रिलेटेड बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, हम लोग ये कौन से पार्ट से पढ़ रहे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण ये पार्ट है। ठीक है, पार्ट का नाम है ये, दो चरों का रैखिक समीकरण, आप बुक खोल के देखिएगा। तो यहाँ पर दो चर होते हैं, एक होता है x और एक होता है y। ठीक है, दो चर रहेंगे और रैखिक समीकरण है, यानी कि x की घात कितनी रहेगी, 1, और y की भी घात कितनी रहेगी, 1, उसको हम लिखते नहीं है, तो या तो वो x दिखेगा और y दिखेगा, बस ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, रैखिक का मतलब होता है घात 1, तो घात 1 को हम लिखते नहीं है, तो x और y के फॉर्म पे दिखेगा। देखिए यहाँ पर x और y, इनकी घातें कुछ नहीं मतलब कितनी है, 1 है, है ना, इनकी घातें कुछ नहीं मतलब कितनी है, 1 है। तो ये रैखिक समीकरण है, और वो भी कितने चर वाले, दो चर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर दो चरों का रैखिक समीकरण आपको दिया रहेगा, तो उनके तीन प्रकार के हल होते हैं। पहला है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा है अनेक हल। तीसरा है कोई हल नहीं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अद्वितीय हल कब प्राप्त होता है, अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि दो चरों का रैखिक समीकरण कैसा दिखता है, तो a1x प्लस b1y बराबर c1, ये एक समीकरण हो गया, इसको समीकरण एक लेंगे, और दूसरा समीकरण ऐसा दिखेगा a2x प्लस b2y बराबर c2, ये हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो ये जो प्रथम अनुपात है ना, ये प्रथम अनुपात, इनके गुणांकों का, x के गुणांकों का प्रथम अनुपात a1 बटे a2 के रूप में ले लीजिए आप इसको, a1 बटे a2, और द्वितीय अनुपात आपको देख पा रहे हैं b1 बटे b2, है ना, ये b1 बटे b2 इसको ले लीजिए। ठीक है, और अनेक हल में आप आ जाइए, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये ऐसे लिख के रख दीजिए। ठीक है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और कोई हल नहीं में आ रहे हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 एंड c1 बटे c2, ऐसे लिख के रख दिया। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, ये अद्वितीय हल में c1 और c2 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है c1 और c2 का, आप लिख भी लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, पर मत लिखिए मेरे हिसाब से। देखिए, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं है, जब प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है। ठीक है, सोचिए आपके जैसा कोई एक हमशक्ल कोई है, यानी कि बगल में कोई है, तो वो आपके इक्वल है, आपके जैसा दिख रहा है, तो वो अद्वितीय नहीं हुए आप, आपके जैसे दो हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जब आपके जैसे कोई दूसरा ना हो, आप अकेले हो, सिंगल, परंतु पता चला कि आपका जुड़वा कहीं है और दोनों सामने आ गए, तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, बराबर दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। तो जब कोई इक्वल दिखता है तो वो अद्वितीय नहीं होता। ठीक है, उसके जैसे दूसरा भी आ गया, इसलिए अद्वितीय नहीं माना जाएगा। ठीक है, परंतु जब जब दो लोग आपस में बराबर नहीं हैं, इसका मतलब वो लोग अद्वितीय हैं अपने आप में। जैसे मैं जैसे आप अपने आप को ले लीजिए और आपका दोस्त, दोनों तो सेम नहीं दिखते होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग दिखते होंगे, तो आप अपनी जगह अद्वितीय हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, है ना, पूरे स्कूल भर में, और आपके दोस्त जैसा कोई नहीं है पूरे स्कूल भर में, तो आपका दोस्त भी अद्वितीय हुआ। तो जब दो लोग आपस में बराबर नहीं होंगे तो अद्वितीय हल।
ठीक है, तीसरे में अपन यहाँ नहीं लेते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अनेक हल में आ जाइए, अनेक हल का क्या मतलब होता है, तीनों अनुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और ये तीसरा अनुपात ना, बटे समझते जाइए इसके बीच में, तो ये तीसरा अनुपात, ये अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो अनेक हल निकलेंगे, ठीक है, अनंततः अनेक हल, इन्फाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। और कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है, ये शुरू के दो अनुपात तो बराबर होंगे पर तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा, ठीक है, शुरू के दो अनुपात बराबर हो सकते हैं परंतु तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आसानी से याद हो सकता है आपको, ये आसानी से याद हो सकता है आपको, तीसरे को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ को लेकर हम यहाँ चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये जो बन रहा है असाइनमेंट का, वो अद्वितीय हल से रिलेटेड है, तो इसी को बस फोकस करिए, बाकी जब आप अपने क्लास में पढ़ते रहेंगे तब इनको आप याद रख सकते हैं। अनेक हल मतलब तीनों बराबर, ठीक है, जब तीनों बराबर होंगे तो बहुत सारे हल निकलेंगे, ऐसा है। चला जाइए, के एक्स प्लस टू वाई समीकरण निकाय दिया हुआ है, के एक्स प्लस टू वाई बराबर पाँच, और दूसरा समीकरण क्या है, तीन एक्स धन वाई बराबर एक, ये समीकरण एक समझ लीजिए, ये समीकरण दो समझ लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, तुलना करने पर आपको ए वन बी वन सी वन, ये ए वन बी वन सी वन हुआ, लाइन से चलेंगे तो ए वन बी वन सी वन, यहाँ पर चलेंगे तो दूसरे में ए टू, यहाँ पर बी टू और ये सी टू, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, या फिर नहीं तो एकदम डायरेक्ट करिए, मेरे हिसाब से दो नंबर का प्रश्न बनता है, फालतू कंझट ना पालते हुए सीधा प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात बोलने की कोशिश कीजिए। ये देखो प्रथम अनुपात, इसी के नीचे जस्ट लिखेगा आप, है ना, तो ये प्रथम अनुपात दिखता है, ये द्वितीय अनुपात दिखता है, ये तृतीय अनुपात दिखता है, तो आपको तीनों अनुपात दिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर कट आप लिख सकते हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट है, ए वन बटे ए टू कौन हुआ, के बटे तीन, ठीक है, ए वन बटे ए टू मतलब प्रथम अनुपात, इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, प्रथम अनुपात, ठीक है, ए वन बटे ए टू बराबर के बटे तीन। द्वितीय अनुपात कितना, द्वितीय अनुपात कितना है, दो बटे एक, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, बी वन बटे बी टू से, और वो कितना है, दो बटे एक। और तृतीय अनुपात कितना, तृतीय अनुपात जिसको हम लिखते हैं सी वन बटे सी टू, वो कितना, पांच बटे एक। हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि अद्वितीय हल वाला पूछा है, ठीक है। तो ये बोलता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय हल आपको दिया हुआ है, आपको k का मान प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ k के जगह क्या मान दिखना चाहिए, चार दिखना चाहिए, पाँच दिखना चाहिए, छः दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए अद्वितीय हल प्राप्त हो, ठीक है। तो अद्वितीय हल हमको दिया हुआ है, तो अद्वितीय हल हेतु, अद्वितीय हल के लिए जो शर्त है हमारे पास वो लिखेंगे, क्या शर्त है, कि भाई ए वन बटे ए टू बराबर नहीं होना चाहिए बी वन बटे बी टू के, ए वन बटे ए टू मतलब प्रथम अनुपात, ठीक है, ये प्रथम अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं काटेगा, प्रथम अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए किसके, द्वितीय अनुपात के, ठीक है। तो प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए, यह प्रथम अनुपात जिसको हम लिखेंगे के बटे तीन, ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए द्वितीय अनुपात, यानी कि दो बटे एक, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी को हल कर लीजिए, जैसे तिरेक गुणा करते हैं ना बराबर के दोनों साइड वैसी, तो के ये एक जाएगा के पास, तो के एक कम के हुआ, बराबर नहीं है ये तीन जाएगा दो के पास, तो तीन दूनी छः हुआ, ये आंसर है, मतलब के का मान छः नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको छः नहीं रखना है, बाकी हर चीज़ रख सकते हो आप, तब आपको अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो के किस मान के लिए अद्वितीय हल मिलेगा, तो के प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय हल मिलेगा, बस छः नहीं होना चाहिए, मतलब पाँच रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, चार रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, आठ दस बारह जो रखना रखो, बस छः नहीं रख सकते, ठीक है। तो अद्वितीय हल की शर्त हम लेकर चले, मान मिला छः नॉट इक्वल टू छः, ठीक है, के इज़ नॉट इक्वल टू छः, तो छः के बराबर नहीं आना चाहिए, बाकी जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, है ना, आपको अद्वितीय हल मिलेगा। तो ये आंसर हो गया, तो आंसर कैसे लिखेंगे, के बराबर नहीं है छः के लिए अद्वितीय हल होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, समझ के ही उतारिएगा, ऐसा नहीं कि पका पुका मिल गया तो आप सिर्फ उतार लें, है ना, ये समझने के लिए भी है, क्योंकि वैसे भी कोविड संक्रमण का काल चल रहा है, तो आप तलवार की नोक पे हम पढ़ाई कर रहे हैं या करा रहे हैं, ऐसा है, तो आपको अपने ज्ञान को अपने समझ को भी लेकर चलना है, तो अगर कोई ज्ञान मिल रहा है तो उसको समेटते हुए चलिए, बटोरते हुए चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक तीन, वर्ग समीकरण, इसके मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्ग समीकरण
देखिए आप लोग को अभी मैंने रैखिक समीकरण पढ़ाया, ठीक है, रैखिक समीकरण, वो भी कितने चरों का, कितने चरों का, दो चरों का। वो कैसा दिखता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू। इसको हम समीकरण एक पढ़ते हैं, इसको हम समीकरण दो पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर के था, यहाँ पर दो था इसके पहले वाले सवाल में, यहाँ पर तीन था, यहाँ एक था, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक समीकरण का, दो चरों के रैखिक समीकरण का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग समीकरण, ये अध्याय तीन से है, ठीक है। वर्ग समीकरण ये कैसा दिखता है, वर्ग समीकरण मानक रूप है ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ पर ए के जगह में, बी के जगह में, सी के जगह में आप चेंज करते जाइए ना भाई। ए के जगह में कोई बोलता है एक ले लो सर, बी के जगह में कोई बोलता है दो ले लो सर, सी के जगह में बोलता है कोई तीन ले लो। तो यहाँ पर रख के देखिए जरा, ए के जगह में एक तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह में दो तो दो एक्स प्लस सी के जगह में तीन तो तीन बराबर जीरो। ये एक वर्ग समीकरण मिल गया, ठीक है। वर्ग समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, वर्ग यानी कि घात दो, ठीक है। तो ये वर्ग समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण वो बोलते हैं जिसमें इकाई घात होता है, तो ये इकाई घात है। वर्ग समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें वर्ग घात होता है यानी कि घात दो होता है। तो इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एकदम सूत्र पर आधारित है, ज़्यादा बेसिक्स इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। देखो आप दिया गया लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दिया गया क्या दिया है, वर्ग समीकरण, जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, तीन एक्स की घात दो धन सात एक्स धन एक बराबर शून्य। बस वर्ग समीकरण तो दिया है, और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल व गुणनफल, ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो आ जाइए इसको हल करते हैं सीधा। हम पहले वर्ग समीकरण की तुलना करेंगे वर्ग समीकरण के मानक समीकरण से, ठीक है। तो वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण जो दिया गया वर्ग समीकरण है तीन एक्स की घात दो धन सात एक्स धन एक बराबर शून्य, इसकी तुलना करेंगे हम किससे करेंगे, ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो से करने पर। यह हमारा मानक समीकरण है, और ये दिया हुआ समीकरण है। मानक समीकरण वो जो कॉमन रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट है ये कभी बदलेगा नहीं, पर ये बदल सकता है। ए के जगह में तीन देख रहे हैं ना, बी के जगह में सात देख रहे हैं, है ना। अगर मैं ए के जगह में पाँच देख लूँ, बी के जगह में आठ देख लूँ, तो ये कैसा दिखेगा, पाँच एक्स की घात दो धन आठ एक्स धन एक बराबर शून्य, है ना। मतलब चेंज हो सकते हैं, आप ए बी सी के मान चेंज करते जाइए, ये मानक समीकरण, ये वर्ग समीकरण बदलते जाएंगे। मानक समीकरण कभी नहीं बदलेगा, वो ए बी सी के फॉर्म पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मानक समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं, देखिए मैं उसी के नीचे जस्ट लिखा हूँ ताकि तुलना करने में आसानी हो। ए बराबर कितना दिख रहा है, तीन, है ना, इनको छोड़ दीजिए जो एक जैसे दिख रहे हैं छोड़ दीजिए। ए बराबर कितना दिखा, तीन, बी बराबर कितना दिखा, सेवन, और सी बराबर कितना दिखा, एक, ठीक है, ये तीनों चीज मिल गए। अब हम लोग सूत्र सीधा सीधा लगा देते हैं, मूलों का योगफल, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल, इसका सूत्र क्या है, सिंपल है, ऋण बी बटा ए, ठीक है, ऋण बी बटा ए, बस इसमें मान डाल दीजिए, ये ऋण तो सूत्र का है, मैं रख देता हूँ, सूत्र का ऋण है तो ऐसे ही रहेगा। फिर बी की जगह बी का मान डाल रहा हूँ, कौन है बी का मान, सात, तो सात बटे ए, ए का मान कितना, तीन, तो ऋण सात बटे तीन मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये क्या होता है, सी बटे ए, तो सी का मान कितना देख सकते हैं आप, एक, और ए का मान कितना, तीन, हो गया खत्म आंसर। ये देखो तीन लाइन का है ना, इसको तो मैं गिनता ही नहीं हूँ, दो लाइन का ये क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये आता है आपका तीन नंबर से चार नंबर के लिए। तो बस आंसर में क्या लिख लेंगे भाई, मूलों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, योगफल ऋण सात बटे तीन व गुणनफल एक बटे तीन प्राप्त हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन खत्म, आ जाइए चौथे में, समझते हुए उतारते जाएंगे आप लोग, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा जो वर्ग समीकरण होता है, एक और क्वेश्चन है वर्ग समीकरण का, इसलिए फिर एक बेसिक पे चल रहा हूँ। ये जो है मानक समीकरण कहलाता है, ठीक है, वर्ग समीकरण का मानक रूप है ये, मानक समीकरण है ये, वर्ग समीकरण का मानक रूप या समीकरण ऐसा बोल दीजिए, ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य, ठीक है।
जो भी आपको वर्ग समीकरण दिया रहेगा उसमें से पहले आप ए देखने की कोशिश कीजिए, बी देखने की कोशिश कीजिए, सी देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए क्या निकालने बोल रहा है विभेदक। विभेदक क्या होता है, सीधे सीधे भाषा में समझ जाइए, सीधे दो शब्दों में समझ जाइए, डी, ठीक है, डी से बोलते हैं उसको, ठीक है, विभेदक। या इसी को दूसरा नाम और क्या बोलते हैं, विविक्त कर, ठीक है, पढ़ाया हो गया होगा आप लोगों को विविक्त कर, डी। इसका सूत्र होता है बड़ा सिंपल, बी की घात दो ऋण चार ए सी, बी की घात दो ऋण चार ए सी। ये सब रफ वर्क है बच्चों, ठीक है, ये आपका बेसिक है, बेसिक जानकारी, इसको समझने के बाद ही इसको समझना, ठीक है। तो बी की घात दो ऋण चार ए सी, अगर आप बी देख पाते हैं, ए देख पाते हैं, सी देख पाते हैं, इसका मतलब आप आराम से डी निकाल लेंगे ये सूत्र रख के, ठीक है। तो क्या दिया है, क्या दिया है, वर्ग समीकरण भाई, वर्ग समीकरण हमें दिया है, कौन है वो वर्ग समीकरण जो हमें दिया हुआ है, दो एक्स की घात दो धन पाँच एक्स धन पाँच बराबर शून्य, ये दिया गया वर्ग समीकरण है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर यानी कि विभेदक, विभेदक, विभेदक डी जिसको बोलते हैं वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या सूत्र है, सूत्र क्या है विभेदक का, डी बराबर बी की घात दो ऋण चार ए सी, ये सूत्र है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या ए देख पा रहे हैं, बी देख पा रहे हैं, सी देख पा रहे हैं, आप बिना तुलना किए भी आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है, क्लियर कट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं साइड में, साइड वर्क कर लेते हैं तो भी कोई नहीं काटेगा भाई, ऊपर में बैठा दीजिए आपको जो दिया हुआ है, दो एक्स की घात दो धन पाँच एक्स धन पाँच बराबर शून्य, ये आपका दिया हुआ वर्ग समीकरण है। और आपका मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य। आप तुलना कर सकते हैं, ए बराबर कितना दिख रहा है दो, बी बराबर कितना दिख रहा है पाँच, और सी बराबर कितना दिख रहा है पाँच, बी बराबर पाँच और सी बराबर पाँच। अब इन्हीं मानों को आप ले लीजिए सूत्र में सीधा सीधा, डी बराबर बी की घात दो, बी कौन है भाई पाँच, तो पाँच की घात दो ऋण चार इंटू ए, ए कौन है भाई दो, इंटू सी, सी कौन है भाई पाँच, तो पाँच की घात दो कितना पाँच पंचे पच्चीस, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, पाँच की घात दो का मतलब क्या होता है, पाँच दूनी दस लिख देते हैं, कई बच्चे होते हैं ऐसा, ठीक है, कई बच्चे हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं पता, ये पाँच की घात दो, पाँच की घात दो, घात को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, घात को हम लोग छत्तीसगढ़ी में घाव पढ़ते हैं, घाव बोले तो के घाव, के घाव है ना, के घाव यानी कि कितने बार, तो घात को सीधा घाव पढ़ो ना, पाँच के घाव दो, पाँच की घात दो या पाँच की घाव दो, तो पाँच के घाव दो घाव, तो पाँच की घात दो का मतलब होता है पाँच को यहाँ पर आपको दो घाव लेना पड़ेगा। तो अब पाँच गुणा पाँच का मतलब आप समझे कितना होगा, पच्चीस, नॉट पाँच दुनी दस, आप इसको पाँच दुनी दस नहीं लिख सकते, पाँच की घात दो है, घात पे है, घातांक का मतलब होता है उसको के घाव लेना है दो घाव, अगर पाँच की घात तीन हुआ तो आप पाँच को के घाव लोगे तीन घाव, ठीक है, लोग पाँच या पंद्रह सोच देते हैं, है? तो ये सब बेसिक नॉलेज है बच्चों, ठीक है, पाँच की घात तीन यानी कि पाँच के घाव तीन, पाँच के घाव तीन घाव, तो पाँच को तीन घाव लिखना है आपको, तीन बार लिखना है, तो पाँच पंचे पच्चीस, पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस, इस तरीके से आंसर देखो अलग आ जाता है और आप पाँच या पंद्रह लिख के चले जाते हो, है ना। तो जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं या उनको समझ नहीं होगी इस चीज़ की, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, घात को आप समझेंगे, पाँच की घात दो मतलब पाँच के घाव दो घाव, तो यहाँ पर दो घाव लिख दिया हूँ मैं, पाँच पंचे पच्चीस करके, ठीक है। अब ये देखो चार दुनी आठ, आठ पंचे चालीस, ठीक है, पाँच चौंक बीस, बीस दुनी चालीस, ऐसा भी कर सकते हैं, दो पंचे दस, दस चौंक चालीस, कुछ भी कर लो भाई। अब ये धन चिन्ह वाला है और ये ऋण चिन्ह वाला, अलग अलग चिन्ह है, घटेंगे, चालीस में से पच्चीस घटाओ कितना आएगा, पंद्रह आएगा क्या, है ना। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ, तो बड़ी संख्या कौन है चालीस, तो चालीस के सामने का चिन्ह ऋण पंद्रह, ये आ गया डी, डी का मान कितना ऋण पंद्रह, ये हो गया विभेदक मिल गया आपको, ठीक है, विभेदक मिल गया, बस आंसर, विभेदक कितना मिला वर्ग समीकरण का, विभेदक डी का मान कितना मिला ऋण पंद्रह है, बात खत्म, आंसर, ठीक है। तो देखो सिंपल है सब चीज, अब आ जाइए पांचवा प्रश्न में। वर्ग समीकरण इसको हमको सूत्र विधि से हल करना है, सूत्र विधि थोड़ा सा बड़ी जाएगी तो मैं सूत्र विधि को इधर के रफ कार्य में बता देता हूँ, ठीक है। देखो सूत्र विधि किसने दी, श्रीधराचार्य जी ने दी है, ठीक है, सूत्र विधि जो है वो श्रीधराचार्य की दी हुई है, श्रीधराचार्य जी की सूत्र विधि के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जी ने हमें कौन सी सूत्र विधि धरा दी है,
तो उसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। सूत्र विधि के द्वारा हम इस वर्ग समीकरण को हल करेंगे। हल करेंगे दैट मीन्स उसमें जो x है यानी कि उसमें जो चर है उसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कोई मानक रूप में कोई वर्ग समीकरण ऐसा दिखता है, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो इसका जो हल है, हल बोले तो x, x का जो मान निकलेगा वही क्या होगा, उस समीकरण का हल कहलाएगा। हल मतलब उसको आप उसमें जो नहीं पता है उसको निकाली, तो कौन नहीं पता होता है, एक्स नहीं पता होता है, ठीक है। तो एक्स को निकालेंगे, तो एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल के अंदर बी की घात 2 ऋण 4 ए सी पूरे के बटे में 2 ए, ये सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र को अप्लाई करते हैं, सूत्र विधि है ये, ऋण बी धन ऋण वर्गमूल के अंदर बी की घात 2 ऋण 4 ए सी पूरे के बटे में 2 ए। अभी जो बी की घात 2 ऋण 4 ए सी, आपने इसको पहले भी देखा है, ये कौन है, डी, डी मतलब विभेदक, तो वर्गमूल के अंदर विभेदक बैठा रहता है, ठीक है। तो आ जाइए, क्या दिया हुआ है, दिया है वर्ग समीकरण 6x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप तुरंत देख सकते हैं, इसके जगह अगर मैं ये लिख दूँ मानक समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 और तुलना लिख दूँ मैं, तुलना मतलब कि आप तुलना कर रहे हैं, तो a बराबर कितना दिख रहा है, 6 देख पा रहे हैं आप, सिंपल है। b बराबर कितना दिख रहा है, b बराबर कुछ नहीं मतलब यहाँ पर क्या है, 1। और सी बराबर कितना दिख रहा है, कई लोग 2 बोलेंगे पर 2 नहीं, ऋण लग गया मतलब ऋण 2, चिन्हों को पकड़ना। अगर धन धन दिख रहा है तो चिन्हों को मत पकड़ना, अगर ऋण दिख रहा है तो आप चिन्हों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 2 के साथ आप पकड़ेंगे। तो ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, इस वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करना है। जो वर्ग समीकरण हमें दिया हुआ है उस वर्ग समीकरण का हल ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य की सूत्र विधि लगाते हैं सीधा। सूत्र विधि x बराबर क्या सूत्र है, ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b की घात 2 ऋण 4 ए सी पूरे के बटे में 2 ए, ठीक है। तो ये ऋण b लिख रहा हूँ मैं, b का मान कितना है, 1, तो ये लगाया b का मान 1। धन ऋण वर्गमूल में b की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 ऋण 4 ए कितना है, 6, इंटू सी, सी कितना है, ऋण 2। तो ऋण 2 को ऐसे कोष्टक में लेना क्योंकि इंटू लगा हुआ है, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं रखना है ना, तो जैसे इंटू और ऋण का चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा इसलिए कोष्टक लगाना, बटे में 2 ए, 2 इंटू ए, ए कितना, 6, ठीक है। अब इसको हल करिए, ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल में 1 का वर्ग कितना, 1 की घात 2 मतलब 1 गुणा 1 यानी कि 1 एकम 1, ये हो गया ऋण, ये भी एक ऋण है तो बाहर जैसे गुणा के साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और 4 छक्के 24, 24 दूनी 48, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, तो ये 48 आ गया, पूरे के बटे में 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है। ये हो गया ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल में 48 धन 1 49 और पूरे के बटे में 12, ठीक है। आ जाइए इधर, ऋण 1 धन ऋण 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ बेसिक है, 8वीं 7वीं ये सब में वर्गमूल आप पढ़े होंगे, और नीचे में 12, ये x का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से धन चिन्ह और ऋण चिन्ह दोनों एक साथ चल रहा है, तो आपको देख के लग रहा होगा धन ऋण क्या है, तो एक बार आप धन चिन्ह लीजिए, एक बार ऋण चिन्ह लीजिए, तो दो उत्तर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर दो उत्तर मिलने चाहिए। वर्ग समीकरण में जो घात होती है वो 2 होती है अधिकतम घात, इसलिए x के 2 मान दिखाने जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार धन चिन्ह लेंगे, ये हो गया धन चिन्ह लेने पर, और एक बार हम लोग क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। धन चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा मुझे, x बराबर ऋण 1, इसको कुछ नहीं करेंगे, धन और ऋण में आप किसका चुनाव करने वाले हैं, धन का, तो यहाँ पर धन लगा दीजिए, ठीक है। और जब मैं ऋण चिन्ह ले रहा हूँगा तब मैं क्या करूँगा, ऋण 1 तो जस का तस रहेगा ही, इन दोनों में किसका चुनाव करेंगे हम, ऋण का, तो यहाँ पर ऋण लगा के 7 लिख देंगे और बटे में 12, ठीक है। बस हल करते जाइए, ऋण 1 धन 7, अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, और बड़ी संख्या 7 है उसके सामने का चिन्ह धन 6, तो धन को लिखते नहीं है, और नीचे में 12, ठीक है। काटा पिटी कर रहा हूँ, कोई एक ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों को काटे, कटिंग का सिद्धांत आपको पता है, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो समझ लीजिए कि कोई एक संख्या आपको खोजनी है जो दोनों साइड काटे, कटिंग का यही सिद्धांत है, ठीक है। तो 6, 6 से दोनों कटेगा, तो 6 एकम 6, ठीक है, और 6 दूनी, दूनी में 12, तो 1/2 आ गया, x का एक मान आ गया 1/2, ये रफ है ना, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, एक जैसे चिन्ह है दोनों के,
समान चिन्ह है तो ये जोड़ेंगे। कई लोग ऋण देके घटाने का काम करते हैं, गलत। एक जैसे चिन्ह है तो आप जोड़िए, ठीक है, 7 और 1 8। और आखिरी काम, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाइए। तो 7 बड़ी संख्या है, उसके सामने का चिन्ह ऋण है, तो ऋण 8/12। कोई एक ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों साइड काटे, तो 4 है क्या, है ना, 4 से कटेगा, 4 × 2 = 8, तो ये 2 आया, और एक ऋण है तो ऋण लगाइए, और नीचे 4 × 3 = 12, तो 3 में कटा, तो x = √2/3। आंसर क्या मिल गया? वर्ग समीकरण का हल, वर्ग समीकरण का हल कौन कौन है भाई? एक तो है 1/2, और एक कौन है, √2/3 है। बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल वे में इसको सॉल्व कर दिए हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका असाइनमेंट ख़त्म। एक दिन में जमा करके, एक दिन में लिख के जमा कर देना, ठीक है, 1 दिन 2 दिन के अंदर। फालतू का 10-15 दिन का तामझाम मत पालना, ना आपको टेंशन ना आपके गुरुजी लोग को टेंशन, ठीक है। सीधा आप समझ भी लीजिए, ये वीडियो तो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एक दूसरे को, दोस्तों यारों को, ठीक है, सबका भला हो, है ना। और इसको आप हमेशा देख सकते हैं। समझने की बात आएगी तो आप कभी भी उठा के देख लीजिए इस वीडियो को, और उतारने की बात है तो एक दिन में उतार के ख़त्म कीजिए। असाइनमेंट जैसा चीज़, बार बार झंझट मत पालना। और हाँ, असाइनमेंट का नंबर जुड़ता है वार्षिक परीक्षा में। पिछले साल के बच्चों को इन्हीं असाइनमेंट्स के आधार पर नंबर मिले हैं और अच्छे अच्छे नंबर पाए हैं। बहुत सारे बच्चे क्या हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न अच्छे से टॉप रेंज में पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट की बदौलत। तो जो बच्चे रेगुलर असाइनमेंट जमा किए हैं, उनको उनके टीचर्स ने क्या दिए हैं, अच्छे नंबर दिए हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, यहीं से आपका नंबर तय होगा, तो इसको छोड़िएगा नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। समीकरण निकाय को हल करना है विलोपन विधि द्वारा। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों ने अभी किया था। कौन सा क्वेश्चन था? 2 चरों का रैखिक समीकरण, ये वाला। इसी में मैं रफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 चरों का रैखिक समीकरण है आपके पास। एक समीकरण को हम लिखते हैं a1x + b1y = c1, दूसरे को हम लोग लिखते हैं a2x + b2y = c2। ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हल करना है। अब हल करने के लिए हमको कौन सी विधि यूज़ करने बोल रहा है? विलोपन। नाम से स्पष्ट है, विलोपन। जैसे डायनासोर का युग था, अब विलुप्त हो गए, तो विलुप्त हो गया यानी कि उनका विलोपन हो गया, तो इनको विलुप्त करना है। तो कैसे विलुप्त करेंगे? या तो आप x वालों को विलुप्त करिए, कटवाइए, या फिर आप y वाले को विलुप्त करिए, कटवाइए। अगर आप x वाले को विलुप्त करवा देंगे तो y मिलेगा, ठीक है, और अगर आप y वाले को विलुप्त करवाते हैं तो कौन मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं x वाले को विलुप्त कराता हूँ तो मुझे y मिलेगा, और अगर मैं y वाले को कटवाता हूँ यानी कि विलोपन को करवाता हूँ तो मुझे x मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है। अब इनको कटवाने का क्या प्रोसेस है भाई? x के जो गुणांक है वो सेम होने चाहिए, या y के जो गुणांक है वो सेम होने चाहिए। अगर वो बराबर है तो उनको कटवाना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए प्रश्नों में चलते हैं अपन। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय दिया हुआ है। कैसा है समीकरण निकाय? 4x + 5y = 20, ये समीकरण 1 हो गया, और 3x + 5y = 15, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। देखिए, या तो मैं x को कटवा देता हूँ या मैं y को कटवा देता हूँ। अगर मेरे को x को कटवाना है तो मुझे इनके सामने के गुणांक बराबर करने होंगे। जैसे 4x, तो x की जगह रोटी पड़ी है, जरा 4 रोटी, और इसको पड़ी है 3 रोटी, x की जगह रोटी पड़ी है, ठीक है। 4 रोटी + 5 ब्रेड, इधर पड़ी है 3 रोटी + 5 ब्रेड, ब्रेड पढ़ रहा हूँ मैं y की जगह, x की जगह रोटी पढ़ रहा हूँ। तो जैसे 4 रोटी में से 3 रोटी मैं क्या पूरी तरीके से कैंसिल करवा सकता हूँ? नहीं करवा सकता। 5 ब्रेड में से 5 ब्रेड कैंसिल हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं। तो देखिए, इनके गुणांक सेम है तो ये कैंसिल आउट आराम से हो सकते हैं, पर ये लोग कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं, इनको मेरे को बराबर करना होगा। अगर मैं इस समीकरण में 3 का गुणा कर दूँ सब जगह, तो ये 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और अगर मैं इस समीकरण में 4 का गुणा कर दूँ तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर भी 4 का गुणा, ठीक है। तो अगर आपको x को कटवाना है तो इनके गुणांकों को बराबर करना होगा, ठीक है। तो जैसे 12 12 कर दिए तो फिर वो आराम से कट जाएंगे, जैसे 12 रोटी और 12 रोटी, तो आप उसको माइनस करके कटवा सकते हैं, ठीक है। तो वही काम देखिए, आपको यहाँ पर 5 5 पहले से ही दे दिया है, तो बड़ा सिंपल है। आपको देखिए यहाँ गुणांक ऑलरेडी बराबर है, ठीक है, 5 ब्रेड 5 ब्रेड, आराम से कटवा दीजिए, कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। हम सीधा y को गायब करवाएंगे, y का विलोपन करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि y के गुणांक बराबर दिख रहे हैं। अगर नहीं दिखते तो हम गुणा करके बराबर कर देते हैं, पर अभी बराबर दिख रहे हैं तो सीधे सीधे इसको कटवा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ,
चार एक्स ऋण पाँच वाई बराबर 20 और इधर 3x धन 5y बराबर 15। एक है ऋण चिन्ह के साथ, एक है धन चिन्ह के साथ, तो ये आराम से कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, धन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण एक, समीकरण एक धन समीकरण दो करने पर, ठीक है, एक और दो को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही जोड़ते हैं, देखो जोड़ने और घटाने का क्या नियम है, एक थोड़ा सा रफ कार्य ले लीजिए। अगर मैं जोड़ूंगा, ठीक है, तो समीकरणों के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। और अगर मैं दोनों समीकरण को घटाता हूँ तो नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। तो मुझे चिन्ह नहीं बदलना है, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ, यानी कि दोनों समीकरण को जोड़ रहा हूँ, मुझे चिन्ह नहीं बदलना है। ये एक ऋण पाँच में है और एक धन पाँच में, आराम से कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं इनको घटा कर मैं इनका चिन्ह नहीं बदलना चाहता। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे मुझे नीचे के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो ये ऋण पाँच और ये धन पाँच कैंसिल हो जाएंगे। चलिए जोड़ते हैं, इसके गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक 4, ये x का गुणांक क्या है 3, तो ये 4 और ये 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है। और ये धन पाँच वाई ऋण पाँच वाई दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या 20 और 15 जुड़ के कितने हो गए 35। ये अब x निकाल रहा हूँ मैं, या 7 यहाँ गुणे में है, पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो 35/7 हो जाएगा। कोई एक ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों साइड काटे, कटिंग का नियम बता रहा हूँ। कोई एक ऐसी संख्या, 7 से कट रहा है दोनों साइड, 7 × 7 = 7, 5 = 35, तो आ गया 5/1 को लिखते नहीं है, तो x का मान आपको 5 मिल गया। x का मान 5 मिल गया, आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। समीकरण दो में x का मान, समीकरण दो में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण दो, देख पा रहे हैं आप, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, तो उसी में रखिए 3x धन 5y बराबर 15, ये समीकरण दो है। तो 3x के जगह मैं क्या रख रहा हूँ, मैं 5, तो 3 × 5, यहाँ पर इंटू है तो 5 लगाइए, प्लस 5y बराबर 15, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 धन 5y बराबर 15। मेरे को 5y का मान निकालना है, तो मैं 5y को वहीं रख रहा हूँ, इस 15 को मैं उधर भेजूँगा, ठीक है। तो 15 यहाँ जुड़ रहा है, तो सामने के चिन्ह के आधार पर पक्षांतर होगा, ठीक है। तो उधर तो 15 था ही, इस 15 को उधर पक्षांतर किया तो ऋण 15 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया 5y बराबर 15 ऋण 15 कितना हो जाएगा 0। अब y का मान 5 को मैं भगा रहा हूँ उधर, तो 5 यहाँ गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, तो ये ऋण 5 बटे में 5 आ गया, ठीक है। तो 0/5 यानी कि 0, ठीक है। तो ये 0 आ गया आंसर, y का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो बस आंसर लिख देते हैं अपन। समीकरण निकाय को हल करना था, तो जो हल है वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, x बराबर 5 मिला और y बराबर 0 मिला, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, और इस असाइनमेंट को आप लोग उतार लीजिए, समझ लीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी दोस्तों यारों को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि कहीं भी पढ़ाई बाधित ना हो, सब अच्छे से एक दो दिन में असाइनमेंट जमा कर दें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं, ठीक है। तो इसी प्रकार मिलते रहेंगे, चलो बाय बाय, गुड नाइट।